बिलाईगढ़ में कोरोना काल में भी लकड़ी तस्कर सक्रिय हो गए हैं। जो हरे भरे जंगल के बेशकीमती लकड़ी की कटाई की जा रही है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी हैं कि चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना भटगांव रेंजर के पास लेकर पहुंचे, लेकिन ड्यूटी के समय पर भी शराब के नशे में थे और कार्रवाई करने के बजाय सोने लगे, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि वन विभाग के अधिकारी और लकड़ी तस्करों की सांठगांठ से लकड़ी तस्कर का काम किया जा रहा है, जिसकी शिकायत वन क्षेत्र अधिकारी से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी समय से सूचना मिल रही है कि अवैध लकड़ी यहाँ कटाई होते नाका रेंजर मिल बांट के ट्रैक्टर में चोरी करके बेचा थे करके हमारे समिति को सूचना मिली। तो हम 15-20-25 आदमी रोज डेली के ड्यूटी देते रहे, तो आज पकड़े हैं। तो लाइट ला देखे तो हमारे रोड में जाके खड़ा हो गए चेकिंग, तो फोन करें इसने इतने ट्रैक्टर पहुँचे का कि नाका ला, मतलब फोन लगाए तो हो नहीं उठाई हमारे के फोने ला। तो बाद में फिर ट्रैक्टर पकड़े ना तो वह आई और इला डिपो लेगा था ऐसे करके बोली से। अपराधियों का पता लगा रहे थे अपन लोग 8-10 दिन तक, इसने काटा है आसपास के ग्रामीणों के भी, तेंदुदघर के ग्रामवासियों द्वारा भी रात्रि रात्रि गश्त भी किया जाता था कि अपराधी को पकड़ा जाए करके। डिंडोरी कोतवाली पुलिस